नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक क्लियर आ रही होगी। देखिए, आप सभी को पता है कि थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बनाया वो आपको ढूंढ ही लेगा। आखिरकार जो आपके लिए चीज़ बनी है ना, उसको कोई भी नहीं छीन सकता है इस दुनिया में। इस बात को थोड़ा सा जहन में उतार लेना। तो थोड़ा थोड़ा करके आप मेहनत करते रहो, डेली मेहनत करते रहो, यही परसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। और जहाँ पर बात आती है कंसिस्टेंसी की, वहाँ पे किस्मत भी हाथ जोड़ लेती है कि भैया ये इतना कंसिस्टेंट है कि इसी को जाने दे। तो इसकी कहानी भी मैं सुनाऊंगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए, पहला, अब आप लोगों ने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया मुझे भी, जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाई हर जगह, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था फिर भी, और थोड़ा सा मैं तबीयत से भी ठीक नहीं था, तो फिर भी आपने ये चीज़ कही कि आपने झेल लिया जैसी मर्जी। ठीक है, मैंने हालांकि पुरानी वीडियोस जो है वो चलवा दी थी, तो उससे आपको आपका 5 बजे का जो पढ़ने का रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो चीज़ थी। हालांकि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पुरानी वीडियोस हैं तो बस ये पुरानी है। तो पुरानी वीडियोस मैं ही पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, कौन है वहाँ दूसरा? और पढ़ना है आपको उसमें पुरानी रिकॉर्डेड, ये सबसे क्या देखना होता है? ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें होती हैं। पंजाब के वालों के लिए बैच है, बिल्कुल पंजाब के लिए बैच है, उसके जिक्र हम करेंगे आज। तो क्या सभी को वॉइस क्लियर है? सभी को वॉइस क्लियर है? चलो, अगर सभी को वॉइस क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। ये क्वेश्चंस आंसर सीरीज जो है वो आपकी ऐसी सीरीज है जो कि आपको हर जगह मदद करेगी, क्योंकि यहां पर आपकी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो कंडीशन इन विच बॉडी हैज लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, जहां पर ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे? सपोज करिए ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है, इसके अंदर खूब सारा ग्लूकोज है। अगर यही ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो जहां पर ग्लूकोज नॉर्मल होता है और नॉर्मल से जहां पर ज्यादा होता है, जहाँ पर अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया उसको बोलेंगे हाइपर लग जाएगा उसके आगे। ज़रूरत से ज़्यादा को बोलते हैं हाइपर और ज़रूरत से कम को बोलते हैं हाइपो, हाइपो। तो हाइपर के आगे कुछ भी लगा लो, जो भी आप लगा सकते हो, जैसे कि हाइपर एलिवेटेड, यानी कि वो ज़्यादा ज़रूरत से उठ गया है। ठीक है, हाइपर एग्रेशन, मतलब कि वो एग्रेशन का भी हाइपर लेवल पे पहुंच गया है। हाइपर एक्टिव, यानी कि वो एक्टिव है और हाइपर एक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। तो कम को बोलते हैं हाइपो। जैसे कि आप शरीर में, जब शरीर की मसल बढ़ जाती है, आप कहेंगे सर मसल का ही एग्जांपल देते हैं क्योंकि आजकल मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो हाइपर ट्रॉफी आपने सुना होगा, हाइपर ट्रॉफी यानी कि मसल का साइज बढ़ जाना। उसी तरीके से ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया, और जहां पर ग्लूकोज कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, ये देखो भैया क्या पूछा है। कंडीशन जहां पर लो लेवल है, तो लो लेवल क्या है? हाइपर का पता लग गया आपको, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज। तो हाइपरग्लाइसीमिया किसे? शुगर होती है तो उसमें बढ़ जाता है ना शुगर लेवल, शुगर लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कह रहे, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसमें आपने देखा होगा। उसके बाद में आपने यहाँ पर देखा है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि कमी, ग्लूकोज की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बात आपको पता लग गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोक्सिया, ऑक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन, यानी कि टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की कमी, उसको क्या बोलेंगे भैया?
हाइपोक्सिया। तो क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? आगे चलते हैं, इन चीजों को लिख लिया करो। आपको मैं दिखाऊंगा आज कुछ ऐसे नोट्स जो हमारे स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, और इतने शानदार नोट्स होते हैं। तो देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया जहां पर ग्लूकोज लो लेवल पे पाया जाए, ये नॉर्मल आपका शुगर देखने को मिलती है तो नॉर्मल लेवल, और हाइपर मतलब जहां पर ज्यादा देखने को मिले, तो ज्यादा मतलब हाइपर, हाइपर एक्सटेंशन। मेरी एल्बो अगर इससे भी ज़्यादा खुलने लग जाए तो हाइपर एक्सटेंशन। तो जब वर्ड्स को पकड़ लोगे तो फिजिकल एजुकेशन और आसान हो जाएगी, और हमारे साथ जुड़ने का एक यही एडवांटेज आपको मिलता है। क्या पता मिले, क्या पता ना भी मिले कईयों को, कई गुस्सा भी हो जाते हैं हमारी क्लास में कि ये छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, इन्हीं से सिलेक्शंस बहुत होंगे, देख लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट एक्सिस। अब लो सर, ये ऐसे क्या है? कॉन्सेप्ट समझोगे तो चीज़ें समझ में इजीली आ जाएगी। हमारे शरीर में तीन एक्सिस और तीन प्लेन देखने को मिलते हैं, तीन एक्सिस और तीन प्लेन देखने को मिलते हैं, सभी को पता है? हाँ भाई, सभी को पता है कि नहीं पता है? आप लोग सेशन को शेयर कर दो यार एक बार। कितनों ने शेयर कर दिया? आप बोलेंगे सर शेयर करने की क्यों बोलते हैं, यार शेयर करना चाहिए, सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि वी आर लाइव। देर आर ओनली 165 स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन टू अदर्स? कहाँ गए? और लाइकों की संख्या काहे नहीं बढ़ रही है? तभी क्वेश्चंस कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके लिए? देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चंस। डी कह रहे हैं आप, डी? अरे भैया डी काहे हो जाएगा? आप तीनों एक्सिस को समझिए पहले, तीनों एक्सिस को समझिए पहले। यहां पर देखो, एक एक्सिस ऐसा होता है जो बॉडी को लेफ्ट से राइट की तरफ बिल्कुल ढकेलते हुए जाता है, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या होता है भैया? ट्रांसवर्स एक्सिस, जो बॉडी को हॉरिजॉन्टली ऐसे लेके जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी बोल लो इसको। उसके बाद में एक देखने को मिलेगा जो आगे से पीछे की तरफ जाएगा, आगे से पीछे, तो सामने, से सामने और से सेजिटल। जो सामने से जाए वो सेजिटल है, से सामने, से सेजिटल। अब देखो वी हम ऐसे लिखते हैं, वी हम ऐसे लिखते हैं, तो इसकी एक डंडी को अगर मैं उठा दूं तो ऐसे खड़ी हो सकती है ये डंडी, इसको सीधी कर देते हैं। तो ये जो सीधा है इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? वी से। देखो हमें एग्जाम निकालना है और तगड़े तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बता के चलूंगा, ठीक है? तो एक डंडी इसकी ऐसी सीधी खड़ी कर दी, यानी जो खड़े वाला आपका एक्सिस है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। कैसे याद रखेंगे कि वर्टिकल ऐसे है कि ऐसे है, ये कैसे, ये कन्फ्यूजन हो जाती है। अरे वी देखो, इसकी डंडी ऊपर की तरफ है कि नहीं है? तो हमेशा जो आपका ऐसे रहेगा वो वर्टिकल रहेगा, और जो ऐसे रहेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ एक डंडी लेके, तो एच बन गया, तो एच से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, और वर्टिकल मतलब कि, समझ गए आप, ठीक है? तो अब यहाँ पर सबसे लंबा कौन सा होगा भैया जो बॉडी में से पास हो रहा है? अच्छा ये बताओ, बॉडी की हाइट ज़्यादा होती है कि विथ, चौड़ाई ज़्यादा होती है कि लंबाई ज़्यादा होती है? हाँ कईयों की होगी चौड़ाई ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट में फैट जिन्होंने कर लिया है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज किया करो यार, तुम फिजिकल एजुकेशन के हो, तुम्हारे को ये चीज़ शोभा नहीं देती है। तो क्या आंसर हो जाता है भैया, क्या आंसर हो जाएगा? वर्टिकल एक्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबसे लंबा ही तो पूछा था बॉडी में, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन देखा है आपने कभी? हैं, आप कहते हो कि क्वेश्चन आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट लाइन एंड द फर्स्ट हर्डल इन 110? 110 मीटर में पूछ रहा है भैया, 400 मीटर में नहीं पूछ रहा है। 110 मीटर से एक चीज याद रखना कि हमेशा मेल्स के लिए रहेगा, 100 मीटर हमेशा फीमेल्स के लिए रहेगा, जहां पर हर्डल आ जाए वो। ऐसा नहीं है 100 मीटर आपके मेल्स के लिए होता है, लेकिन खाली स्प्रिंट। लिंक शेयर कर दिया करो। अच्छा मोहित, हाँ भाई, ठीक है चलो, अब इसका भी बताते हैं आपको क्या है क्या नहीं है।
तो क्या दिया है देखो, जिसने क्या इंटेलिजेंट हो गए हैं सारे के सारे, क्या है गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाले पढ़ रहे हैं, ट्रैक वाली वीडियो देख ली है, ट्रैक एंड फील्ड बाय मोनू मधुकर, जिसने देख लिया एक क्वेश्चन ट्रैक एंड फील्ड का नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। तो 13.72 जिसने दिया है, बहुत शानदार है। अभी अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो, वैसे मैंने आपको कम से भी कम नहीं 10 बार से ज़्यादा ये पिक्चर दिखा दी होगी, लेकिन आपने दिमाग ही नहीं लगाया ढंग से। आज मैं आपको दिमाग लगाना दिखाता हूँ कि मोनू की पीडीएफ में दिमाग कैसे लगाना होता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, 110 मीटर है भैया मेंस के लिए, इन्होंने क्या पूछा है कि पहले डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन, यहाँ पर अगर यहाँ से स्टार्ट लाइन है, ये आपकी एंड लाइन है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पहला हर्डल है, ये फर्स्ट हर्डल, ये सेकंड हर्डल, ठीक है, और ये मान लो 10th हर्डल। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हर्डल के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, 110 मीटर में रहेगा 13.72। अगर ये पीडीएफ आपने देखी हो ध्यान से, अगर इसको देखा हो एमसीक्यूज में, 1000 बार करवाए हैं मैंने, तो आपने एक ही बार में दे देंगे ऐसे ही सेम एज इट इज। आप 110 मीटर मेंस के चले गए, तो पहला हर्डल अगर आपसे पूछ ले कि हर हर्डल के बीच में कितना डिस्टेंस, तो 9.14 अगला वाला ही देख लिया होता आपने। अगर पूछ ले आपसे कि फ्रॉम द लास्ट हर्डल टू द फिनिशिंग लाइन, लास्ट हर्डल में, लास्ट हर्डल और फिनिशिंग लाइन में कितना गैप रहेगा, तो 14.02। तो आप ये देखो, शुरुआत में 13.72 है, एंड में कितना है भैया 14.02 है गैप। अब एक चीज और ध्यान से देखो, अब यहां पर आपका एक 10 मीटर वुमेन्स का आ गया, 100 मीटर वुमेन्स का। अगर पूछ ले कि हाइट, अगर यहां पर भी हाइट पूछ लेता आपसे, तो मेंस की हाइट ऑलमोस्ट इट्स 1.6, सी ठीक है 1.067 ये आपकी मेंस की है, ठीक है। कभी भी मेंस की हाइट 110 की सबसे ज़्यादा होती है, 400 मीटर में कभी भी आप देखेंगे तो एक को क्रॉस नहीं करती है, 400 मीटर में अगर पूछ ले तो 0.914 मीटर, और अगर 400 मीटर में आपसे पूछा होता तो 45 मीटर पहले हर्डल के बीच में और पहली स्टार्टिंग लाइन से पहले हर्डल के बीच में गैप, हर हर्डल के बीच में 35 मीटर का गैप, और लास्ट से फिनिशिंग लाइन के बीच में 40 मीटर का गैप। उसी तरीके से आप फीमेल्स में भी देख सकते हैं, 0.838 मीटर इसकी हाइट होती है हर्डल्स की, 13 मीटर का गैप पहले हर्डल के बीच में होता है, और हर हर्डल के बीच में 3.50 मीटर होता है। उसी के साथ साथ में आपको लास्ट हर्डल और फिनिशिंग लाइन के बीच में कितना गैप, 10.50। अब यहाँ पर एक चीज़ और मुख्य बात है कि हर्डल्स की संख्या 10 ही रहती है, ये याद रखना, हर्डल्स की, नंबर ऑफ हर्डल्स, ये क्वेश्चन आएगा। अब सर इसमें से क्या नोट करना है, जो जो मैंने गोला लगा दिए हैं सब नोट कर लो, जो जो मार्क है इनको नोट कर लो, यही क्वेश्चन में आएंगे, एग्जाम में छपेंगे। कह दिया हमने तो कह दिया भाई, लाइकों की संख्या बढ़ा दो। तुम्हारा भाई फिजिकल एजुकेशन को कोने कोने में ले जाने के लिए इतना ज़्यादा तत्पर है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है, एक नया हैशटैग है, दैट इज जो रियल हीरो है स्कूल के, रियल हीरो कौन है, पीईटीज, द रियल हीरो ऑफ स्कूल इज पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है असली हीरो वही है जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें संसार में कैसे रहना है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, दूसरों से कैसे व्यवहार करना है, हर किसी को कैसे दयनीय नजरों से देखना है, कैसे दूसरों को बांटना है, शेयरिंग सिखाते हैं जो चीज, तो असली में वही चीज है। इस दुनिया में सब छीनने में लगे हुए, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ही है जो देने में लगे हुए थे। तो आप सभी को सलाम भाई, और आप सभी भी घर घर में फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज को पहुंचाओ, उसके लिए क्या चाहिए, शेयर चाहिए, तो शेयर करो। नाउ नेक्स्ट वन इज, विच इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज दे ट्रेवल्ड थ्रू द एयर। सर समझ में नहीं आया, इंग्लिश में आता है वही नहीं, अब दोबारा पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो, चौथी बार पढ़ लो, पॉज कर लो वीडियो को, लेकिन ध्यान से पढ़ो, और जो नहीं समझ में आया उसका स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में पढ़ो तो तब समझ में आएगा। हमारे भी नहीं आता था भाई चीज़ें, हमारे भी नहीं समझ में आती थी। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, और मुझे हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, लगभग 3 साल पहले भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी,
इवन तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी 4 साल की, फिर भी मेरे को दिक्कत आती थी रीडिंग में, तो रीडिंग आती करने 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 से चीज़ें समझ में आई। ये बताओ आपका ट्रेवल थ्रू, अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, दोबारा से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि विच इज़ द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है जो एक्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट पे एज दे ट्रेवल थ्रू द एयर, एयर के ऊपर जब वो जाता है तो कौन सा इनमें से, टॉर्क, थ्रस्ट, मोमेंटम या ड्रैग। तीन दिन से क्लास नहीं हो रही थी पेड क्लास में, बिल्कुल पेड क्लास नहीं दिख रहा है सर, तीन दिन से नहीं हो रही थी क्लास, इसलिए नहीं दिख रहा है, आज से दिखेगी, आज आना, आज पढ़ाएंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट में। तो आपको लक्ष्य 2.0 फिजिकल एजुकेशन डालना है, EMRS सर्च करना है उस पर, EMRS वहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको बाय कर लेना, पैसे नहीं कटेंगे जिन लोगों ने महापैक ले रखा है, ठीक है। कोमल, चलो तो क्या राइट आंसर दे रहे हैं सभी के सभी, कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, भाई गजब ही है। तो जिसने भी डी दिया है ड्रैग, बिल्कुल करेक्ट है ड्रैग। अरे भैया ये ढंग से पढ़ते तो अलग से आपको ड्रैग मिल जाता, हालांकि कुछ लोगों ने दिया है जैसे कि विशाल जैन ने दिया है भैया ड्रैग दिया है, हाँ भाई ठीक है। तो एक तरीके से आप देखेंगे वेट, लिफ्ट और थ्रस्ट एंड एयर, ठीक है। तो ये आपको चार फोर्सेस देखने को मिलेगी, अगर मान लो लिफ्ट और वेट दोनों की दोनों फोर्स बराबर हो गई, इक्वल हो गई, तो हवा में तैरेगा, हवा में तैरेगा, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा कोई भी, हेलीकॉप्टर यही करके एक जगह पे हवा में खड़ा रह सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ में थ्रस्ट और एयर रेसिस्टेंस, एक तरीके से थ्रस्ट जितना भी है वो आगे की तरफ ले जाने में मदद करता है भाई चीजों को, ठीक है। तो यही पूछ रहा था इससे, हाँ भाई यही पूछ रहा था आपसे, अगला क्वेश्चन। टर्निंग फोर्स इज नोन एज टॉर्क, हाँ बिल्कुल, टॉर्क एक ऐसी फोर्स होती है, जैसे आप नट, पेच, पाना कुछ भी खोलते हैं तो उसमें टॉर्क लगेगी, बोतल का ढक्कन खोलेंगे वो भी टॉर्क फोर्स है, आपने गाड़ी खराब हो गई आपकी तो गाड़ी की जब आप टायर खोलते हैं तो वो भी एक तरीके से क्या है, टॉर्क है। अगला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज ए डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, इमोशन, एक्टिविटी, अराउजल, नर्वसनेस एंड अनरियलिस्टिक एंड अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं दोबारा पढ़ो इसको अच्छे से तो समझ में आ जाएगा कि ऐसी स्थिति कौन सी होती है जिसमें आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब रहता है, इमोशनल रिएक्टिविटी रहती है, अराउजल रहता है किसी चीज का, और नर्वसनेस जैसी फीलिंग्स आती है, अनरियलिस्टिक जैसी चीजें, और आपको व्यवहार भी, आपका मन भी चिंतित सा रहता है, तो इनमें से कौन सा, टेंशन, स्ट्रेस, एग्रेशन या एंजाइटी, तो मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ फीलिंग्स क्या कहलाएगा। आज ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है सर, प्लीज कम कर दो, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या आज, तो ये विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो जिसने ऑप्शन नंबर डी दिया एंजाइटी, तो जब भी एंजाइटी की बारी आती है तो एंजाइटी आपसे एक ही चीज कहता है, हाँ भाई बियरेबल है, आंखों को चुभ तो नहीं रही है, तो फिर मैं PCR टीम को बुलाता हूँ आपको, ब्राइटनेस कम करना सर, ठीक है थोड़ा सा कम करता हूँ। एंजाइटी का मतलब क्या है, पेन कलर चेंज कर दो, अच्छा पेन कलर तो चेंज कर दूंगा, पेन कलर तो कर दिया मैंने चेंज, क्या ये ब्लैक भी विजिबल है कि नहीं है, क्वेश्चन और आंसर विजिबल है, अब पेन अगर मैं ब्लैक यूज करूँ तो विजिबल है कि नहीं है, हाँ भाई। तो अब यहाँ पर ये देखो, एंजाइटी एक मिक्सचर फीलिंग होता है जो कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं उसमें आपका एंजाइटी मेनली, समझ गए ना, तो दोनों आपको समझने की ज़रूरत है, स्ट्रेस यानी कि चिंता एक तरीके से हो जाती है आपकी, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जब आप, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं आपके, नेक्स्ट अदर नेम ऑफ काला अजहर, काला अजहर का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। अच्छा आपके चेहरे पे ब्राइटनेस ज्यादा है कोई नहीं, ये कैमरे का फर्क है यार बाबू भाई, अदरवाइज तो
ब्राइटनेस ज़्यादा है भाई, तो किसी को भेज दिया जाए इफ पॉसिबल। चलो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही है अपनी। तो जिसने भी आपका ब्लैक फीवर और डम डम फीवर दोनों दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। बिल्कुल पहली बार सुन रहे होंगे कई लोग तो इसको। देखिए अगर जब हमारी बीमारी होती है तो बीमारियां अलग अलग चीज़ों के कारण होती है। कई बार आपके बैक्टीरिया के कारण हो जाती है, कभी कभार वायरस के कारण हो जाती है, कभी कभार हेलमेंट्स के कारण हो जाती है, कभी कभार आपकी फंगस के कारण हो जाती है। तो लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं तो लेस्मानियासिस एक तरीके से, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करना सर इसकी, एक बार हल्की सी, बड़ा घबरा गया एकदम, पहचान नहीं रहे मेरे को। कह रहे सर ने कौन सी क्रीम लगा ली। नहीं अभी थोड़ा सा विजिबल है, अब थोड़ा सा और, थोड़ा सा ठीक है ये तो। हाँ अभी ठीक है ना भाई। चलो इतने ना घबराए करो, देखो ओरिजिनल कलर आ गया तुम्हारे सामने। चलो घबरा गए यार तुम तो। तो एक आपकी सैंड फ्लाई है, ये इसके रीजन है, इसके कारण ये आपका ब्लैक फीवर और दमदम फीवर दोनों देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज विच इज द मोस्ट एविडेंट मिनरल फाउंड इन द बॉडी, हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है। हाँ भाई, विच इज नॉट ए प्राइमरी मोटिव ऑफ एक्शन। अरे भैया लिपि कौन है, एक एक यहाँ भी नहीं टिक रहे तुम, ये क्वेश्चन तो कर लो पहले, तुम अपने क्वेश्चन लेके आ जाते हो। मैंने कितनी बार मना कर रहा है, डू नॉट व्हाट्सएप मी MCQs, और भाई इतने MCQs भेजते रहेंगे, इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई मत करा करो यार ये चीज़ें, आपको लगता है आपने एक MCQ भेजा है, मेरे पास 600 आए हुए होते हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि मैंने ही तो भेजा है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कैल्शियम और आपका फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलके हमारा क्या बनता है, बोन का निर्माण करते हैं। दोनों मिलके क्या निर्माण करते हैं भैया, बोन का यानी कि हड्डियों का निर्माण करते हैं। हालांकि बोन की स्टडी को अगर देखा जाए तो स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, और जो बोन के सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, और इसके दो सेल्स देखने को मिलेंगे, एक ऑस्टियोब्लास्ट और एक ऑस्टियोक्लास्ट। तो ब्लास्ट बनाने का काम करते हैं और क्लास्ट जो है वो ब्रेकडाउन का काम करते हैं, हड्डियों को बनाने में मदद करते हैं ऑस्टियो ब्लास्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगी आपकी, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जिसने हमारे नोट्स बनाए हैं भयंकर तरीके से वो गजब। कैल्शियम के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि बोन के स्ट्रक्चर को बनाने में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म करने में, आपके घाव को भरने में, आपके नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन, अगर किसी ने देखी हो मेरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाली वीडियो, तो मैंने एक बात बताया कि आपका जो कैल्शियम है वो स्टोर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। कहाँ स्टोर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सोचते हो इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड सर को याद है, इतने भयंकर है सर को, बहुत नॉलेज है ये वो, भैया सब मेहनत का खेल है, आपको भी याद हो जाएगा और आप भी एकदम भयंकर चमकेंगे सितारे की तरह। बस डेली आओ और नोट्स बनाओ, मैं अभी दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर आपका कैल्शियम स्टोर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बहुत सारे और भी आपके जो वुंड हीलिंग है, बाकी घाव भरने में मदद करता है, ठीक है, खून का थक्का जमाने में मदद करता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज एजिंग प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम, सेशन को लाइक करो भाई अगर पसंद आ रहा है तो, जबरदस्ती का नहीं।
किसने भेजे थे मुझे एमसीक्यूज भेजे थे ना एक दिन बना के पीडीएफ बना के भेजी थी, मैं अभी चेक करता हूँ उसको। हाँ भाई, तो जिसने भी राइट आंसर बी दिया है भैया, एजिंग प्रोसेस, बढ़ने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है, डी कह रहे हैं। वैसे तो यहां पर देखा जाए तो इन्फेंसी से ही होगा, इन्फेंसी से ही होना चाहिए। दुधारू बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्स, इन्फेंट्स बोलते हैं जो दुधारू बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इन्फेंसी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इन्फेंसी। नेक्स्ट वन इज ईच फेसिकुलाई इज सराउंडेड बाय अ सिथ इज कॉल्ड। जो फेसिकुलाई होते हैं वो आपके सर मैंने जिसने YouTube से नोट्स बना के मेरे को एक बार भेजे थे, एक बार फिर से भेजना यार, मैं एक बार देखता हूँ उनको। तो पेरिमाइसियम जिसने भी दिया, देखो यहाँ पर पूछा फेसिकुलाई, ठीक है, तो पेरिमाइसियम है। अगर सबसे आउटर पूछ ले, सबसे आउटर पूछ ले तो आपका एपिमाइसियम है, और सबसे अंदर की पूछ ले तो आपके एंडोमाइसियम है। देखना ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये फेसिकुलाई वाला क्वेश्चन अभी एचटेट में भी आ रखा है, कई बार आ रखा है, और डी ट्रिपल एस बी में भी पूछा गया है भैया ये। अब यूँ कहेंगे कि सर डी एस एस बी में हार्ड आते हैं, देखो ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए फेसिकुलाई की जो आपकी सीथ है उसको सराउंडेड कौन करके रखता है, तो पेरीमाइसियम जो बीच की लेयर होती है, ये देखो आपका सबसे बाहरी लेयर हो जाएगा एपिमाइसियम, बीच की लेयर वो आपका पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पेरीमाइसियम के अराउंड जितने भी क्वेश्चन, हालांकि मस्कुलर सिस्टम में मैंने ये पूरा ढंग से पढ़ा रखे हैं, और उसके बाद में आपका एंडोमाइसियम सबसे अंदर की लेयर, सबसे अंदर की लेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फूड इज बेस्ट फॉर योगिक प्रैक्टिशनर, जो योगा की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए। हाँ भाई, क्या रहा भाई आपका आंसर, मुझे वो मिल नहीं रहा यार, चलो कोई नहीं, कल दिखा देंगे आपको। सात्विक भोजन जिसने भी, देखिए सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन टाइप के भोजन माने गए हैं। वैसे तामसिक भोजन उसको माने जो आपका अंडा मांस मच्छी ये सब चीज़ें खाते हैं, तामसिक भोजन। तो आप में से तो कोई नहीं है ना तामसिक। वो नोट्स ग्रुप में भी भेजिएगा, मान जाओ तुम। नेक्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड ऑन विच
ऑब्टेंड स्कोर इज कंपेयर्ड। आप लोग मतलब कुछ मत करना, वो नोट्स मैं भेजता रहूं, किसी की मेहनत को इधर उधर ही भेजता रहूं मैं फालतू में, नहीं आप लोग कुछ मत करना यार, आप लोग नोट्स बनाए करो, हाथों से बनाए करो, तब जाके उस चीज को आपको फल मिलेगा। बताओ इसका राइट आंसर। हाँ भाई, तो जिसने भी बी दिया है भैया नोम्स, अब देखिए दो टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ढंग से आपने पढ़ा तो समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड बताओ ऑन विच ऑब्टेंड स्कोर इज कंपेयर्ड, जहाँ पर कंपेयर किया जाए इस स्कोर को उसे हम नोम बोलते हैं, याद रखना नोम्स, नोम्स जहाँ पर आपका कंपेयर किया जाता है। वैसे अगर आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट में देखें तो टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपका नोम्स और आपका क्राइटेरिया, नॉर्म्स और क्राइटेरिया, आपके दो टाइप के टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो नॉर्म्स में हम क्या करते हैं कि सभी, या तो सबसे पहले क्राइटेरिया समझो, क्राइटेरियम में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि फौज में आपने देखा होगा फौज में कितनी मांगते हैं, 5'7" हाइट मांगते हैं, 5'7" हाइट, ठीक है ये मांग रहे हैं। तो अगर 5'7" है तो अंदर है, इन, If 5'7" then in, अगर इससे कम है तो out, सीधा सा क्राइटेरिया है ये, क्राइटेरिया वाले सीधा कहते हैं, या तो आर या पार, ठीक है, किसी की 6 feet है तो अंदर नहीं तो बाहर, ये ऐसे नहीं कहते 5'7" वाले को इतने, 5'8" वाले को इतने, ये नॉर्म्स वाले कहते हैं कि जिसके 80% से ऊपर आए वो मेरिट में, जिसके 60% से ऊपर आए वो आपका फर्स्ट डिवीजन, जिसके 50% से ऊपर आए वो सेकेंड डिवीजन, ऐसे ऐसे इन्होंने नॉर्म्स बांट रखे। तो नॉर्म्स में हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के स्कोर को, यहाँ पर कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता है। जब कंपेयर की बात आए स्टैंडर्ड में और ऑप्शन में नॉर्म्स दे रखा हो तुरंत मार देना, मोनू का वर्डिंग जो है वो याद रखना, ठीक है समझे। यही क्वेश्चन आएगा जब भी नॉर्म्स और इसका आएगा तो कंपेयर्ड, ऐसे घुमा दिया है क्वेश्चन को जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया है, अरे कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्या 80 वाले को 60 से, 60 वाले को 50 वाले से, इस तरीके से। LNIP में भी तो यही होता है, जहाँ पे फिजिकल टेस्ट देने जाओगे वहाँ पे यही होता है। तो नॉर्म्स और क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच एज इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ ए स्किल लर्निंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में गोल्डन एज, यार क्या व्यूज कर दिए हैं, 247 स्टूडेंट्स आर लाइव, what happened to others according to norms, हाँ भाई क्या दिया है भाई राइट आंसर आप लोगों ने सबसे। अब देखो ध्यान से, अगर जिसने दिया हो प्यूबर्टी, एक तरीके से प्यूबर्टी इज द राइट आंसर। इन्फेंसी, बच्चा है भाई, दूध पी रहा है बच्चा, दुधारू बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट्स, शिशु, शैशव, ठीक है। उसके बाद में चाइल्डहुड, ये तो बचपन है भैया, बचपन में क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखता है। एडल्टहुड तो भैया बड़ा हो जाता है, तो किशोर अवस्था में प्यूबर्टी के दौरान ये आपका सबसे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं कोई भी चीज़ होती है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक पे रहता है व्यक्ति। व्हाट
कैरीज द फूड टू स्टमक। पेट वाले सारे बता देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका 3-4 दिन लगा के कंप्लीट करा दिया भाई, तो पेट वाले तो भाई घबराएंगे नहीं किसी भी तरीके से। नहीं पेट वाला कोई नहीं घबराएगा। ठीक है, चलिए बताइए। डी बता दिया। अरे वाह कैडे भाई सारे के सारे। अब यहां पर देखो दो चीज आपको मैंने बताई है, जिसने भी इसोफेगस दिया बिल्कुल भोजन नाल बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर ये देखो, ये आपका इसोफेगस है, खाना यहाँ पे पाचन स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली में आपकी जो सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, चाहे आपका पैरोटिड ग्लैंड्स हो, चाहे सब मैंडिबुलर हो, चाहे सब लिंगुअल हो, ठीक है, वो तीनों के तीनों अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। वो आपका एमाइलेस नाम का एंजाइम, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मदद करता है, उसका निर्माण करना चालू कर देती है। खाना यहाँ पर घूमता रहता है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट से होते हुए होते हुए होते हुए, होते हुए कहाँ पहुँचता भैया, यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर एक दरवाज़ा मिलता है, पहला दरवाज़ा, पहला क्या है दरवाज़ा। अब दरवाज़ा रही रहेगा खाना कुछ भी आ जाएगा क्या अंदर, तो वो दरवाज़ा क्या है खाने की ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पर रोक के रखता है। एपिग्लोटिस का जो पहला दरवाज़ा है जो कि स्टमक में आने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर किस लिए होता है भैया, खाने को स्टमक में जाने से प्रिवेंट करने के लिए हो सकता है। कि अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड, वैसे रोकता नहीं है लेकिन अलाउ कौन करेगा, तो कार्डियक स्पिंचर पहला दरवाजा। दूसरा दरवाजा यहां देखने को मिलेगा, दूसरा दरवाजा, वैसे बहुत दरवाजे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं दो बता रहा हूं, दो ही से क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा दरवाजा क्या है पाइलोरिक स्पिंचर, पाइलोरिक स्पिंचर। अब ये पाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है, खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए दरवाजा किस लिए है भैया, तो कौन एंटर करवाएगा खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट के बीच में पाइलोरिक स्पिंचर, पेट और भोजन नाल के बीच में कार्डियक स्पिंचर। तो पहला और दूसरा दोनों लिख लेना अपने अपने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भैया। इंक्लाइनोमीटर इज अनदर नेम ऑफ, ल भाई बताओ भाई, यूट्यूब से भी अच्छी पढ़ाई होती है अजीत सिंह, क्यों नहीं होती भाई, पढ़ने वाला होना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो हर जगह अच्छी पढ़ाई होगी, और सेशन को लाइक नहीं करोगे तो अच्छी नहीं होगी फिर। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस कि कितना आप फोकस करते हैं, कितना अच्छे से पढ़ते हैं। स्कोलियोमीटर का ही दूसरा नाम है इंक्लाइनोमीटर, याद रखना स्कोलियोमीटर। नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय। आप सभी के लिए, अब जब पंजाब का एक वो डायरेक्टली सेशन में बता दूंगे, उसके लिए अलग से सेशन है जो पंजाब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी एक अलग चीज़ है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी को दिया था मैक कैलन ने, और मैक कैलन ने तीन चीज़ें बताई थी स्पेशली, क्या क्या भैया, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। तो मैक कैलन ने तीन चीज़ें बताई थी, क्वेश्चन कल को एग्जाम में आ सकता है। द अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय मैक कैलन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर दिस, या इस तरीके से घुमा के कि इनमें से कौन सा नहीं है जो मैक कैलन ने दी थी। तो तीनों ऑप्शन में होंगे, पहला आपका अचीवमेंट का भी, दूसरा आपका पावर का भी, तीसरा एफिलिएशन का भी, चौथा कोई अपनी तरफ से डाल देंगे कि वो नहीं है ऑप्शन में। सर बहुत बहुत हार्ड आ गया था क्वेश्चन, ऐसा आ गया था, हमने मोटिवेशन मैसलो की पढ़ी थी, मैक कैलन का देखा ही नहीं था नीड मोटिवेशन क्या है, और बहुत हार्ड आता है सर क्वेश्चन पेपर। अरे एक आध डालेंगे नहीं क्या, जो 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन में से 60 बहुत इजी रहेंगे, जिन्हें अगर कोई अच्छे से पढ़े तो कर लेगा, 80 वो रहेंगे कि अच्छे से भी पढ़े और रेगुलर पढ़े तो कर लेगा, टोटल 80
आप कर सकते हैं। 20 वो रहेंगे कि जो बहुत ही ज्यादा गहराई से पढ़ेगा वो भी नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा गहराई से वो भी नहीं कर पाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, टीचर को ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझसे भी 100 में से 100 का क्वेश्चन कर लेगा तो मैं भी 100 में से 100 नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही, जब 300 बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो और बाद में इसको हजारों लोग देखेंगे, कि जो बड़े बड़े टीचर धुरंधर अपने आप में, कोई भी एक्स वाई जेड, मैं खुद उसमें से हूँ, तो नहीं हो पाता है ऐसे, 100 में से 100 नहीं आते हैं, और हमें 100 में से 100 लाने भी नहीं है भाई, आप ये चीज़ ध्यान से रखो। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि हार्ड करो पेपर को, वो करो, भाई तुम 80% के लिए फोकस करो ना, कहे 20% के लिए पूरा जान दे देते हो, वो होना भी नहीं है तुमसे। तुम चाहे कुछ भी कर लेना, नीचे से ज़मीन उखाड़ के बाबर की कब्र में से भी पढ़ लोगे ना, तब भी नहीं हो पाएगा कुछ। नेक्स्ट वन इज हु हैड स्टार्टेड टर्नियोरन मूवमेंट। टर्नियोरन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है वैसे ये। हाँ भाई, भाविका राठौर, ऑलरेडी आई एम टीचिंग इट, वो जानबूझ के भाई 20% तो जानबूझ के दे रखा होता है उन्होंने, उन्हें पता है और कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई जिन्होंने बनाया उन्हें बिठा देना एक बार करवा लेना उनसे सॉल्व। तो फेडरिक लुडविक यान जिसने भी दिया है, भैया ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा आपका DSSB में, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री है वैसे। नेक्स्ट वन इज इन विच स्पोर्ट्स एक्सपेडाइट सिस्टम इज यूज, ये दूसरी बार करवा रहा हूं क्वेश्चन, एक्सपेडाइट सिस्टम किसमें यूज होता है। तो ये एग्रीमेंट होता है एक तरीके से, कि आप अगर एग्री हैं, सामने वाला अगर खिलाड़ी एग्री है, आप एग्री है, तो इस एक्सपेडाइट सिस्टम को लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें टाइम बचता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जिसको पढ़ना हो तो गूगल पे जाके आराम से पढ़ लेना एक्सपेडाइट सिस्टम टेबल टेनिस में जो होता है कि कैसे कैसे है। ठीक है, टेबल की हाइट पूछ लेते हैं आपसे, जमीन से टेबल की हाइट पूछ लेते हैं, तो या तो आपको मिलेगा ऑप्शन में मीटर, या आपको मिलेगा सेंटीमीटर, इस तरीके से दोनों में कुछ भी मिले तो आपको पता होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई भी पता होना चाहिए। लंबाई की बात करें तो 274 सेंटीमीटर यानी कि 2.74, और अगर आपसे चौड़ाई पूछ ले तो 152.5 सेंटीमीटर, या फिर आपसे 1.52.5 मीटर देखने को मिल सकती है। ठीक है, लिख लेना इनको। विच स्केल अभी आ गया था रिसेंटली, KVS में आ गया था, बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर था ये। अरे हमारी क्लास देखोगे डेली तो कुछ नहीं घबराओगे फिर। विच स्केल कंटेन्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस वेयर ए पर्सन नीड टू राइट इंस्टेड ऑफ चूजिंग एन ऑप्शन। ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, किस पैमाने में ओपन एंडेड पर्सन होते हैं। ओपन एंडेड पर्सन और क्लोज एंडेड पर्सन, दो तरीके के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन क्या रहते हैं एक्चुअली में, आपसे मैंने कुछ पूछा और आपके आगे लिखा हो या तो यस या नो, यानी कि ये क्लोज एंडेड है, बात तो यही खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर मैं इंटरव्यू लूँ आपसे और पूछूँ डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब अबाउट फिजिकल एजुकेशन, हाउ इट्स हेल्प टूवर्ड्स एंड यू अंग्रेज बनूँ, तो वो एक तरीके से उसमें आपके पास में खुली छूट है, आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, आई डन फलाना, ये वो अगड़म पगड़म जादू की तिगड़म। ठीक है, तो रेशियो स्केल में क्या रहता है भैया, पर्सन नीड टू राइट इंस्टेड ऑफ चूजिंग एन ऑप्शन रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल रेशियो, नॉमिनल, ये चार तरीके के आपके टाइप्स ऑफ स्केल भी बोल लो, टाइप्स ऑफ डेटा भी बोल लो। नॉमिनल में आपके सिर्फ नाम आते हैं, ऑर्डिनल में चीजें ऑर्डर में लगी होती हैं, इंटरवल में प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है, प्रॉपर ऑर्डर होता है, और रेशियो में आपका सारी चीजें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले आपको नॉमिनल, जिसमें आपका नेम वेरिएबल्स रहते हैं,
ऑर्डिनल में ऑर्डर में लगी होती हैं चीज़ें, जैसे कि नेम को आपने दे दिया 1, 2 इस तरीके से, फिर आपका इंटरवल और रेशियो। इसको टाइप्स ऑफ डेटा में अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँगा, किसी दिन पढ़ाएंगे आपको। रिसर्च देखना मेरी, रिसर्च बाय मोनू मधुकर, हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। टीजीटी में भी स्केल वाले आ सकते हैं, हाँ स्केल वाले आ सकते हैं। लास्ट 20 वाला क्वेश्चन है। चाहिए तुम्हें तो, जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया है भैया, फ्रांसिस्को, बिल्कुल करेक्ट है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ह्यूमनिज्म ये आप लिख सकते हैं भैया, आइडियलिज्म के फादर कौन है भैया, प्लेटो। नेचुरलिज्म के रूसो, आप रियलिज्म के अरिस्टोटल, प्रैग्मेटिज्म के जॉन डेवी, और एग्जिस्टेंशियलिज्म के आपके क्रेगगार्ड। इनको याद रख सकते हैं, जैसे कि IPS एक ट्रिक है, IPS ठीक है, NRI, N से नेचुरलिज्म, R से रूसो, RAS, R से रियलिज्म, A से अरिस्टोटल, PJ, P से प्रैग्मेटिज्म, J से जॉन डेवी, एक A से, ई से एग्जिस्टेंशियलिज्म, के से क्रेगगार्ड। तो ट्रिक है, आराम से आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि ये आपको याद हो जाए। बाकी के अगर हम बात करें आपकी, तो आप बैच कौन सा परचेज करें, कौन सा बैच आप परचेज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये हमारी वीडियो है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिन लोगों ने बैच ऑलरेडी परचेज कर रखा है, ये उनको भी बता दूंगा कि कहाँ से क्या क्या करना है। सबसे पहले अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, जिसको भी करनी है, एंड्रॉयड वाले तो आप कर सकते हैं, आप अगर आईफोन वाले तब भी कर सकते हैं। अड्डा लिखा आएगा, अड्डा के नीचे आपको सेलेक्ट करना है पहले अपनी तरफ से टीचिंग, तो अड्डा के जस्ट नीचे यहाँ पर टीचिंग सेलेक्ट करना है। टीचिंग जैसे ही कर लेंगे, आपको चले जाना है स्टडी मटेरियल, प्रीमियम स्टडी मटेरियल पे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको टीचिंग का महापैक, ठीक है। टीचिंग का महापैक में डबल वैलिडिटी चल रही है, डबल वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा इसका प्राइस है, इसको कम कर देंगे, इस पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर कॉइन वाला ऑप्शन भी आता है, उसको टिक कर लेना। नीचे व्यू ऑफर छोटे छोटे में लिखा होगा, लेफ्ट साइड में छोटे में व्यू ऑफर, उस व्यू ऑफर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लाएगा एंटर योर कूपन कोड, जो आपका कूपन कोड है वो बताओ हमें। तो हम आपको एक कूपन कोड दे रहे हैं Y590, जिसे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको अप्लाई कर देना। तो ये आपका कितने का हो जाएगा भैया, तो ये 3500 का हो जाएगा अभी आपका, और भी सस्ता हो जाएगा, 2 साल के लिए है वैसे आपका, और इसको फिर कंटिन्यू कर लेना आप, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, 2 साल के लिए आपका Paper 1, Paper 2 फिजिकल एजुकेशन सभी ले सकते हैं। बाकी जिन लोगों को पढ़ना है अभी 6 बजे, वो लोग क्या करेंगे, सीधा यहीं पे जाके माय कंटेंट में जाके यहाँ पे अपने कोर्स में सेलेक्ट करके या फाइंड आउट कर लेना, लक्ष्य 2.0 डायरेक्टली टाइप कर देना भैया, ठीक है। तो लक्ष्य 2.0 जैसे ही आप टाइप करेंगे, आपका फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य में हम स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन बैच आ जाएगा आपका, और उसको आप आराम से देख सकते हैं फिर, ठीक है। और उसको देखेंगे, उसमें 6 बजे आपकी लाइव क्लासेस भी आएगी, ठीक है। EMRS में आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, जितने भी कोर्सेज है सब इसमें परचेज कर सकते हैं आप, व्यू ऑल में जाके भी डायरेक्टली EMRS भी लिख सकते हैं डायरेक्टली EMRS, उसको बाय नाउ पे क्लिक कर लेना, दोबारा पैसे नहीं कटेंगे। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग सेलेक्ट कर रहा था, टीचिंग पे सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली EMRS TGT सर्च कर सकते हैं। जैसे ये गए टीचिंग,
PGT में भी दिख जाएगा आपको, PGT में दिख जाएगा आपको लक्ष्य 2.0, ये रहा ठीक है। वैसे ये PGT लिख दिया है गलती से, PGT नहीं है, TGT ही है। इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी परचेज दिखाएगा अगर आपने महापैक ले रखा है तो। बाय नाउ पे क्लिक करके घबराना नहीं है ठीक है। बाकी हम मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ध्यान रखो सभी अपने, अभी 6 बजे हमारी क्लास चल रही है फॉर एवरी एग्जाम, तो आप 6 बजे जुड़ सकते हैं, टीचिंग का महापैक लेके आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।